री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आज के समय में 1 अप्रैल 2005 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले सभी जो है कर्मचारी जुड़े हुए हैं। मुद्दा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, एनपीएस, यानी कि एनपीएस की आशंकाओं एवं संभावनाओं से संबंधित जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उसका विश्लेषण करना कि वह किस तरीके से जो है इसका प्रारंभ होता है, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है और पीएफआरडीए, एनएसडीएल और सीआरए की तिकड़ी किस रूप में एनपीएस से संबंधित है तथा कुछ आशंकाएं और इन आशंकाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण हम इसको पॉइंट के रूप में लिख भी दे रहे हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और दूसरी तरफ इसका प्रारंभ किस रूप में हो रहा है। हालांकि इसे हम संक्षिप्त में ही समझेंगे, बाकी हमारा मुख्य उद्देश्य संभावनाओं एवं आशंकाओं पर अपना ध्यान केंद्रण है। इसके बाद पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका किस रूप में जो है ये एनएसडीएल और सीआरए, क्योंकि इसका भी नाम सुनाई पड़ता है तो हम ये देखेंगे कि किस रूप में ये संबंधित है एनपीएस से और पीएफआरडीए का क्या संबंध है इस चीज से। और इसके बाद हम कुछ इसमें आशंकाओं को देखेंगे इसके बाद इसका जो है तथ्यात्मक विश्लेषण। तथ्यात्मक विश्लेषण इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। हालांकि इस दौरान जो एनपीएस से संबंधित प्रावधान है उन प्रावधानों का तथ्यों के आलोक में हम लोग विश्लेषण करेंगे। यहां पर इसका समर्थन या किसी भी रूप में इसमें कमी को दिखाना या अच्छाई को ओवर एस्टिमेट करना नहीं है, बल्कि समय समय पर जो प्रश्न आते रहते हैं उन सभी प्रश्नों को, उन सभी आशंकाओं को समेटते हुए एक वीडियो के माध्यम से इसका जवाब देना है, ताकि जो सब्सक्राइबर अभी तक हैं 1 अप्रैल 2005 के बाद उत्तर प्रदेश में विभिन्न सेवाओं में हैं उनके मन में उत्पन्न होता है तो उन सभी सवालों को संकलित करते हुए यह उत्तर उन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे मन में जो आशंकाएं उत्पन्न होती हैं वो कम से कम ना रहे। जिन लोगों को अभी आने वाले समय में सब्सक्राइबर बनना है वो कम से कम इस जानकारी को जान लें, बाकी सब्सक्राइबर बनने के संदर्भ में उनका क्या मन स्थिति है, उनके क्या मानसिक विचार हैं, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो 1999 ईस्वी में हम आते हैं अपने पॉइंट्स पर। 1999 ईस्वी में सरकार के द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित नीतियों की जांच करने के लिए एक परियोजना प्रारंभ किया गया, जिसे कहा जाता है वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा परियोजना, जिसे संक्षिप्त में ओएसएस कहा जाता है। इसने उससे संबंधित नीतियों का अध्ययन और विश्लेषण किया, तदुपरांत इसने अपना जो रिकमेंडेशन संस्तुति जो दिया उसमें ये बताया कि लाभ आधारित जो पेंशन परियोजना चल रही है इसके स्थान पर सशस्त्र बलों को छोड़कर के केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली, जिसे एनपीएस कहा गया है, को लागू करने से संबंधित 2003 ईस्वी में अपना रिकमेंडेशन देता है। इसके रिकमेंडेशन के बाद सरकार ने इसे 1 जनवरी 2004 ईस्वी से नोटिफाई कर देती है। हालांकि अलग अलग राज्यों में बाद के तिथियों में इसे लागू किया गया, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार में जहां पर इसे 1 जनवरी 2004 ईस्वी से लागू कर दिया गया, वहीं पर उत्तर प्रदेश में इसे 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद के लोगों पर इसे लागू किया जाता है। तो अलग अलग राज्यों में इसे लागू करने की तिथियों में अंतर भी दिखाई पड़ता है। हालांकि 2009 ईस्वी में आकर के स्वैच्छिक आधार पर काम कर रहे वाले
पेशेवरों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसके दायरे में या उनके लिए इसे भी खोल दिया जाता है कि वो भी एनपीएस के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। यह एनपीएस के क्षेत्र की व्यापकता को बढ़ाने के लिए किया गया। अभी इसमें आता है पीएफआरडीए, जिसे पूरा नाम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, यानी कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना एक प्रस्ताव के माध्यम से अंतरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के रूप में 2003 ईस्वी में किया जाता है, जिसे अधिनियमित करते हुए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के माध्यम से जनवरी 2014 ईस्वी में अधिनियमित कर दिया जाता है। यानी कि पहले संकल्प के माध्यम से लाया गया था और बाद में इसे अधिनियमित कर दिया गया। संकल्प और अधिनियम में अंतर यह होता है कि सरकार कोई डिसीजन लेती है, अगर किसी भी विषय पर, मान लीजिए बाढ़ ज्यादा आ रही किसी क्षेत्र में, तो बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी जाती है, तो यह एक अंतरिम व्यवस्था हो जाती है, एक प्रस्ताव या संकल्प के माध्यम से हो जाती है। यह ना तो संवैधानिक होती है और ना ही यह विधिक होती है, किंतु जब इसे अधिनियम के माध्यम से स्थापित कर दिया जाता है तो एक एक्ट बन जाता है। उसके कार्य शक्तियां अन्य सारी चीजों का उसमें विश्लेषण होता है, उसकी व्याख्या होती है, तब वो जो है विधिक दर्जा प्राप्त कर लेता है और वो एक एक्ट के अंतर्गत अधिनियमित हो जाता है। तो ये अंतर रहा 2003 और 2013 के संकल्प से पारित और अधिनियम से बनने वाले पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यह मूलतः इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है कि पेंशन एनपीएस के अंतर्गत जो भी पेंशन से संबंधित नियम कानून समय समय पर बन रहे हैं या बदल रहे हैं, उसका रेगुलर उसका विनियमन वो पीएफआरडीए के माध्यम से होता है। यहां पर दो और चीज है, एक तो एनएसडीएल और दूसरा सीआरए। एनएसडीएल का मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह एक प्रक्रिया और व्यवस्था है जो आपके एनपीएस के लेन देन से संबंधित डेटा के रखरखाव को व्यक्त करता है। एनएसडीएल 1996 ईस्वी में स्थापित एक केंद्रीय डिपॉजिटरी, केंद्रीय सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है और यह भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी भी है। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, 1996 ईस्वी में स्थापित की गई। कहने का मतलब यह है कि एनएसडीएल आपके डेटा, एनपीएस से संबंधित डेटा के रखरखाव की प्रक्रिया और व्यवस्था को बताता है। जैसे आज कल आप लोग देख रहे होंगे कि डिजी लॉकर है, डिजिटल लॉकर जिसको कहा जाता है, डिजी लॉकर है जिसको डिजिटल लॉकर कहा जाता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट को वो डिजिटली सुरक्षित रखता है। उसी तरीके से लेन देन के लिए जो प्रक्रिया या व्यवस्था अपनाई गई है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपनाई गई है। इसके लिए कोई मैनुअल रजिस्टर नहीं रखा गया है, कोई कार्यालय इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे रजिस्टर बना के रख दिया गया है, क्योंकि पूरे देशव्यापी इसमें कर्मचारी सम्मिलित हैं और इतने लोगों के लिए मैनुअल डेटा को रजिस्टर के माध्यम से सुरक्षित रखना कठिन है। इसलिए एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी होती है, यानी कि जो प्रतिभूति, प्रतिभूति का मतलब जो है प्रपत्र, आप समझ सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के विवरण को अंकित किया जाता है। और यहाँ पर आपके एनपीएस से संबंधित, लेन देन से संबंधित जो प्रपत्र है वो डिजिटली सुरक्षित रखा जा रहा है। तो ये एनएसडीएल उसकी एक व्यवस्था और प्रक्रिया है। सीआरए यह एक एजेंसी है जो इस डेटा के रखरखाव से संबंधित है, जिसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कहा जाता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कहा जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है और यह पीएफआरडीए के अधीन कार्य करता है और स्वयं पीएफआरडीए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पर कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार का अपना नियंत्रण और निर्देशन निहित है। ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, बकायदा इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिनकी निगरानी में इस डेटा को जो सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन रखने की जो प्रक्रिया और व्यवस्था है वो एनएसडीएल करता है और देखता है, जिसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी और ये इसका मुख्यालय मुंबई में आपके है। तो मुझे लगता है कि पीएफआरडीए, एनएसडीएल और सीआरए का जो स्वरूप है वो आप लोग जो है समझ लिए होंगे। ये विनियमन बॉडी है,
यानी कि एनपीएस के संदर्भ में जो भी रूल्स रेगुलेशन समय समय पर बदलते हैं या बदलने चाहिए उस पर कार्य जो है वो पीएफआरडीए के माध्यम से किया जाता है। तो ये व्यवस्था रही पीएफआरडीए और एनएसडीएल तथा सीआरए के बीच में। अभी हाल ही में एक प्रोपोजल पर पीएफआरडीए के द्वारा कार्य किया जा रहा है जिस पर हम लोग चर्चा कर लें तो बेहतर है कि इसके प्रमुख पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय के द्वारा अपने वक्तव्य में बताया गया है कि पीएफआरडीए एक मिनिमम गारंटी एनपीएस पर कार्य कर रही है। हालांकि यह अभी व्यवस्था गतिमान है, प्रपोजल में है, यदि इसे लागू किया जाता है तो इससे आने वाले समय में एनपीएस सब्सक्राइबर को एक मिनिमम गारंटी रिटर्न दिए जाने की व्यवस्था होगी। हालांकि इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इससे सब्सक्राइबर की जो एज है वो 50 वर्ष से कम होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक निश्चित समय तक जब सब्सक्राइबर के द्वारा एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा तो ही उसके खाते में इतना धनराशि होगा जिससे उस मिनिमम अमाउंट को दिया जाना संभव हो पाएगा। तो अगर ये व्यवस्था सफल होती है तो एनपीएस के संदर्भ में लगाए जाने वाले पेंशन को लेकर के जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं जो है कम होगी या समाप्त हो जाएगी, जिससे कि एक मिनिमम गारंटी होगी और एनपीएस के सब्सक्राइबर को भविष्य को लेकर के जो आशंकाएं होती हैं, जो चिंताएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं कम होगी नजर आएगी। तो ये वर्तमान समय में एनपीएस को लेकर के इसके प्रमुख का एक वक्तव्य है जिसमें मिनिमम गारंटी एनपीएस को देने की बात कही जा रही है। इसके जो आशंकाएं हैं इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पर जो है लोगों के बड़े सवाल आते हैं कि एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं उनका पैसा कहाँ जा रहा है, भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी बिंदुओं को लेकर के जो है आशंकाएं इसमें व्यक्त की जा रही हैं। यदि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो है सीआरए की स्थापना की गई, पीएफआरडीए के नियंत्रण में ये कार्य करता है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, इन सारी चीजें जो है इस पर जो लागू हो रही हैं, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ जा रहा है। एक उसकी सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं हैं, आपके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड है जिसके माध्यम से आप साइट पर जाकर के अपने उस वार्षिक के साथ साथ जो है पूरे सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को आप देख सकते, उसमें किस तरीके से उतार और चढ़ाव हो रहे हैं, इन सारी चीजों को भी देख सकते हैं। हम दूसरी बिंदु पर आते हैं कि इसमें कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, इन बातों को भी लेकर के लोगों में सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि इसमें कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। अब यहां पर हम इस बात को समझना मतलब आवश्यक है कि आपके जो अमाउंट इसमें सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जाते हैं वो विभिन्न फंड मैनेजर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में लगाए जाते हैं। वर्तमान समय में इसमें 7 फंड मैनेजर हैं जो 4 प्रकार के अलग अलग एसेट्स में आपके सब्सक्रिप्शन के धनराशि को निवेश करते हैं। अब 7 प्रकार के फंड मैनेजर वही हैं जो आपके लिए भी चिरपरिचित हैं। इसमें यूटीआई है, एसबीआई है, एलआईसी है, कोटक महिंद्रा है, आदित्य बिड़ला पेंशन है, एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई है। ये सारे नाम आप जानते हैं और इनके माध्यम से आपके जो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट है उसको अलग अलग 4 प्रकार के एसेट्स और योजनाओं में लगाया जाता है जिसमें मार्केट के आधार पर जो वृद्धि होती है वो बेनिफिट इस पे मिलता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप एनपीएस के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कम से कम 40 से 50 लोगों से बात करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि उन सभी लोगों ने अपना अमाउंट चाहे पीपीएफ में लगाते हैं, एलआईसी में लगाते हैं, आरडी खुलवाते हैं, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, इन सभी योजनाओं में लगाते हैं और ये सारे पैसे भी कहीं ना कहीं जो है एक स्थान पर रखे नहीं होते हैं, वो भी विभिन्न योजनाओं में निवेश किए जाते हैं ताकि समय के साथ साथ उस पर मिलने वाले ब्याज से आपको जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ज्यादा अमाउंट देने की बात कही गई होती है उसे पूरा किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर इसे संक्षिप्त में समझा जाए तो जो हम योजनाएं अलग अपने व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न योजनाओं में पैसे खर्च करते हैं, लगाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं निवेश किए जाते हैं और वो निवेश भी इन्हीं सभी लोगों के स्तर पर किए जाते हैं जो कि हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने माध्यम से करते हैं। वही आपके एनपीएस के
अंतर्गत सब्सक्रिप्शन से प्राप्त धनराशियों को भी लगाते हैं, क्योंकि ये सारे नाम जो मैंने बताया इसमें आने वाले समय में टाटा है, मैक्स है, अलग अलग तीन अन्य आर्थिक संगठनों की चर्चा चल रही है, तो फंड मैनेजर की संख्या बढ़ के 10 हो जाएगी। और इसमें अगर ट्रेंड देखा जाए विभिन्न 4 से 5 प्रकार के जो असेट्स में निवेश किया जाता है उसमें जो रिटर्न रहे हैं वार्षिक वो हर वर्ष अलग अलग रहे हैं। 2014-2016 में देखेंगे तो बहुत इसमें वृद्धि रही है, अभी कोविड के समय में देखेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ जो है बदलाव आया, इसमें काफ़ी कुछ जो है कम रिटर्न देखे गए हैं। तो इस आधार पर इसमें उतार चढ़ाव की संभावनाएं रहती हैं, मार्केट बेस्ड है। लेकिन एक चीज को समझना आवश्यक है कि अगर बाजार की गतिविधियों को देखेंगे तो लंबे समय में इसमें वृद्धि होती है, हालांकि इसमें तात्कालिक और क्षणिक अगर परिवर्तन देखेंगे तो आज कुछ है उसका मार्केट वैल्यू और कल कुछ रहेगा, अगर 85,000 है तो आज 84 हो सकता है, परसों 87 हो सकता है, तो ये उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम आप 5 साल 8 साल 12 साल में देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक ट्रेंड उसमें दिखाई पड़ेगा वृद्धि का, क्योंकि जब आप 2002-04 में आप सेंसेक्स और मुंबई शेयर मार्केट के बारे में देखते थे तो उसका जो वैल्यू था वो 22,000-24,000 के आसपास होता था, किंतु आज की डेट में देखेंगे तो वो काफ़ी कुछ बढ़ा हुआ है। तो एक दीर्घकाल में जो है इसमें वृद्धि होती है, तो इस तरीके से मार्केट पर आधारित है, परंतु जो आपके अमाउंट है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस प्रकार की कोई इसमें नकारात्मक संभावनाएं नहीं होती हैं। अगला एक इसमें पेंशन की बात होती है, इसमें पेंशन को लेकर के बात होती है, और कई बार ये कहा जाता है कि रिटायर होने के बाद 2800 पेंशन मिला, 2200 पेंशन मिला, 3200 पेंशन मिला, इस तरीके की बातें होती हैं। अब आपको यह समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है और 2005 के बाद उसकी नियुक्ति हुई है तभी तो वह एनपीएस में है, तो उसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत कम है, और जाहिर सी बात है कि 2016 के पहले वेतन भी कम था तो इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम होता था, क्योंकि 10% ही डी और बेसिक का 10% की कटौती की जाती थी, तो बहुत कम कटौती हुई थी। जब आपके कम कटौती हुए हैं तो निश्चित तौर पर उस पर आपके रिटर्न भी कम होंगे। अब 60% इसमें 60% आपको दे दिया जाता है, 40% अमाउंट जो है आपके निवेश पर होती है, और इसमें जो ब्याज वार्षिक होता है उसे 12 अलग अलग भागों में बांट करके 12 अलग अलग महीनों के लिए आपकी पेंशन बन जाती है। तो कुल मिलाकर के अभी जो रिटायर हुए हैं उनका सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत कम है, इसलिए पेंशन भी उस पर कम मिल रही है। अब यहाँ पे 10% की कटौती आपके यानी कि इंप्लॉयर के माध्यम से, प्लस इसमें 14% की कटौती इंप्लॉई 10% इंप्लॉई की तरफ से और 14% इंप्लॉयर की तरफ से जोड़ करके आपके खाते में इसे क्रेडिट किया जाता है, जिसे यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप साइट पर जो है समय समय पर देख सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है पेंशन की रही है, आने वाले समय में यदि आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट ज्यादा होते हैं तो उस रेशियो में बनेंगे, उसकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा से जो है वह उस नियम का पालन करेगी जो इसके लिए बनाया गया है। दूसरी और बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपके टैक्स इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे इनकम टैक्स के एक्ट जो बनाए गए हैं 80C के अंतर्गत आपको 1,50,000 रुपए तक की छूट दी गई है, किंतु यदि आप एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं तो उसमें आपके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है जिसे 80CCD1B, इसके अंतर्गत आपको एडिशनल 50,000 की छूट की व्यवस्था दी गई है, जो कि 80C के 1,50,000 रुपए से एक्सीड होने पर आपको मिलती है। मान लीजिए इसको हम उदाहरण के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने LIC, PPF और NPS इन तीनों में निवेश करता है और उसका निवेश अमाउंट जो है वो 1,80,000 होता है, आपको छूट यहां 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक ही होगा,
अब यहां पे आपका 30,000 एक्सीड हो रहा है अमाउंट, तो ये 30,000 को आप ATCCD-1B के अंतर्गत दिखा सकते हैं। अब ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह जो 30,000 या 25,000 की सीमा तक ATCCD-1B में आप दिखाएंगे, उसकी सीमा जो है वो अधिकतम NPS के अमाउंट तक ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि 50,000 यहां पे आपने कटौती किया है, तो वो 50,000 की अगर कटौती हुई है तो ये 50,000 तक अधिकतम यहां पर दिखा सकते हैं। यदि 40,000 ही हुई है यहां पे, तो अधिकतम आप 40,000 ही दिखा सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसके दो पार्ट भी किए जा सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी ने 80,000 किसी का कटौती हुआ है, 80,000 की कटौती हुई है, तो अब यहां पर आप इसे 50,000 यहां पे दिखा सकते हैं ATCCD-1B और 30,000 का अमाउंट जो है ATC में दिखा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर और यहां पर दिखाए गए NPS के अमाउंट का योग आपके टोटल अमाउंट के योग से अधिक नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि NPS अमाउंट की जो कटौती की गई है वो दोहराव नहीं होना चाहिए। वो इसमें टोटल दिखा सकते हैं या इसमें टोटल दिखा सकते हैं या अलग अलग दोनों में दिखा सकते हैं, पर दोनों का योग जो है आपकी इस टोटल कटौती से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो NPS सब्सक्राइबर के लिए दिया गया है, क्योंकि आज की डेट में अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे कर्मचारी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और उनके लिए टैक्स को बचाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो इस माध्यम से वो यहां पर अपने इस बचत को दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये समझते हैं कि आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि NPS को लेकर के विभिन्न तरीके की किस तरीके की आशंकाएं मन में होती हैं और इन आशंकाओं का क्या तथ्यात्मक जो है स्थिति है उसको हम लोगों ने समझा। हालांकि हम लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत कहीं पर किसी अन्य योजना का ना तो जिक्र किया और ना ही उस योजना से इसका तुलना किया। हमारा उद्देश्य केवल NPS को केवल लेकर के जो मन में आशंकाएं थी उसी पर अपना ध्यान केंद्रण और उसी का तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करना था। जो सब्सक्राइबर अभी तक हो चुके हैं उनके लिए यह जानना आवश्यक था, बाकी आने वाले समय में जो सब्सक्राइबर होंगे उनकी मनाही स्थिति क्या है, उनका मानसिक विचार और निर्णय क्या है, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। हमारा उद्देश्य केवल NPS की जो व्यवस्थाएं थी उससे आपको परिचित कराना था, ताकि यदि आप कटौती करवा रहे हैं तो कम से कम आप जो है निश्चिंत रहें और किसी भी प्रकार के जो है गलत धारणा मन में आपके ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।